अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइव सीरीज ऑफ शीप्रेन्योर्स। एज यू नो कि हमारी जो सीरीज चल रही है हाउ आई स्टार्टेड, और इसमें हम यंग टैलेंट्स और वुमेन स्टोरीज लेकर आते हैं कि जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया। तो आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है उनका मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। शी इज समन असलम एंड शी इज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल एंड यंग ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट एंड शी सर्टिफाइड फ्रॉम द कैम्ब्रिज। वेलकम समन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। माशाल्लाह आजकल मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और मीडिया की बहुत नजरों में हैं, और हर बंदा, ये एक ऐसा टैलेंट है कि हर बंदा जाना जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा जी। लोगों को बताती चलूँ जिनको ग्राफोलॉजी का नहीं पता। आप लोगों ने सुना होगा फेस रीडिंग, साइकोलॉजी, माइंड साइंसेस और ये वो, लेकिन हैंड राइटिंग से आपकी पर्सनालिटी की प्रेडिक्शन हो जाती है। वो क्या है, कैसे है, किस तरह पॉसिबल है, आपके सिग्नेचर्स, आपके बिहेवियर्स किस तरह बताता है, आज ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे समन के साथ। तो समन बताएगा कि हाउ यू गेट नो अबाउट दिस फील्ड, किस तरह पता चला कि ये भी एक फील्ड है। और श्योर। सो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई वॉज इंट्रोड्यूस टू ग्राफोलॉजी इन 2011। 2011 में मुझे पता चला था कि ऐसी कोई स्टडी एग्जिस्ट करती है। उस टाइम पे मैं बैचलर्स इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स कर रही थी और मैं इस टाइम स्कूल में एक जॉब कर रही थी। वहां पे मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, तो सऊदी अरेबिया में एक स्कूल में जॉब कर रही थी। वहां पे एक टीम आई थी पूरी टीचर्स को चेक करने के लिए, टीचर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट सबकी, एक ग्राफोलॉजिस्ट की टीम आई थी टीचर्स मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट्स को चेक करने के लिए इफ एवरीवन इज मेंटली हेल्दी एंड केपेबल ऑफ वर्किंग जो भी उनकी रिस्पेक्टिव जॉब्स हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि हमसे सिंस आई वाज अ टीचर ओवर देयर, उन्होंने हमसे पूछा था कि आप, उन्होंने कहा था कि आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख कर लाएं। वो फिर उन्होंने हमें वो देखकर हमारी पर्सनैलिटी के बारे में 5 to 7 points बताए थे। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, दैट वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग। और फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि कैसे हो सकता है। मैंने गूगल किया, गूगल करके मुझे जो आर्टिकल मिलता था, जो वीडियोस मिलती थी, कुछ भी मुझे मिलता था, मैं उसको क्या कहते हैं देखती थी, पढ़ती थी। मुझे उस टाइम पे सऊदी अरेबिया में ग्राफोलॉजी सिर्फ अरबिक में होती थी, इंग्लिश में नहीं होती थी, मुझे इंग्लिश में चाहिए थी, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। मैं बहुत से वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं बट अरबिक में अटेंड किए हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मुझे हर चीज़ नहीं समझ आई, बट यू नो एक सेटिस्फेक्शन थी कि बस मुझे शौक है, मैं जाके बैठ जाती थी वहाँ पे देखने के लिए कि अच्छा और क्या क्या होता है, शायद थोड़े से तुक्के मार के मैं समझ जाऊँ। लेकिन इसके बाद फिर 2 3 साल मुझे कोई रिसोर्स नहीं मिला ग्राफोलॉजी का। मैंने खुद से पढ़ पढ़ के, खुद से गूगल करके जो भी मुझे मिलता था, जो भी उसकी कंपाइल्ड बुक बनाई थी और मैं उससे पढ़ रही थी। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स मुझे फिर कैम्ब्रिज से मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैंने प्रोफेशनली वो अपनी स्टडी स्टार्ट की है और उसके बाद टुडे आई एम हियर। इट्स बीन ओके, 8 years इन दैट्स दिस सो जर्नी। अच्छा, इट्स 8 इयर्स। अच्छा, बताइएगा कि किस तरह, मतलब कि एक हैंड राइटिंग क्या प्रेडिक्शन देती है, कि अब समटाइम्स एक बंदे की मुख्तलिफ हैंड राइटिंग्स भी होती हैं, तो एक हैंड राइटिंग से कैसे पर्सनालिटी प्रेडिक्शन मिल सकती है? क्या ये साइकोलॉजी से रिलेटेड फील्ड है? जी बिल्कुल, ये एक न्यूरो साइंस की फील्ड है, ये एक साइंस की फील्ड है। पर्सनालिटी की प्रेडिक्शन नहीं होती, पर्सनालिटी रीड की जाती है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा आप राइटिंग से पर्सनालिटी जज कर लेती है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जज इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि जज में ओपिनियंस आ जाते हैं, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। जी, तो ये थोड़ा सा ना क्लियर करती हूँ मैं हमेशा। और इसके अलावा मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि राइटिंग से बहुत चीजें पता चलती है। इट्स बीन 8 years इन दिस फील्ड और आज भी मुझे मुझे तकरीबन रोज ही कोई नई चीज पता चलती है ग्राफोलॉजी के कि राइटिंग से ये भी पता चलता है ना। लिटरली शॉक, मुझसे अक्सर लोग शॉक होते हैं कि राइटिंग से कैसे पता चल सकता है, लेकिन वाकई राइटिंग से सो मच अबाउट यू। एक इंसान की पूरे माइंड, जैसे कि एक ECG है, वो इंसान का हार्ट रेट, हार्ट रिदम बताता है आपको। आप इंसान का हार्ट को अगर जानना तो ECG देखते हैं, उसी तरह राइटिंग इज द ECG ऑफ माइंड। दिस राइटिंग इज बेसिकली कॉल्ड, जी हैंड राइटिंग इज बेसिकली कॉल्ड ब्रेन राइटिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, फिर हमारा हाथ मूव होता है। और जिस तरह की ये फिंगरप्रिंट किसी के सेम नहीं है पूरी दुनिया में, उसी तरह एक राइटिंग भी किसी के सेम नहीं होती है।
अच्छा, तो मतलब कि जी किसी की राइटिंग भी किसी से सेम नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि योर राइटिंग इज योर पर्सनैलिटी, और दो सेम तरह की ओके एग्जैक्टली सेम पर्सनैलिटीज नहीं होती। इवन मेरी जो प्रिंसिपल थी कैम्ब्रिज में, वो रिसर्च कर रही थी आइडेंटिकल ट्विंस पर, कि क्या उनकी राइटिंग सेम होती है। उनकी रिसर्च से भी यही पता चला है कि वो नहीं सेम होती, आइडेंटिकल ट्विंस की भी राइटिंग नहीं सेम होती, जो जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उनकी भी राइटिंग सेम नहीं होती, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी सेम नहीं ओके होती। जी सही। तो मतलब अब इस तरह होता है कि अब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब लिखती हूँ तो समटाइम्स मैं बहुत तेज में, मैं जॉइंट भी लिखती हूँ, मैं सिंगल फॉन्ट में भी लिखती हूँ। मतलब मेरे अपनी तीन चार पैटर्न्स हैं राइटिंग के। तो जी क्या एक ही बंदे की तीन चार डिफरेंट राइटिंग्स भी एक ही पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है, या फिर वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा होता है? जी मतलब कि जिस तरह आई होप सो यू गेट माई पॉइंट, के जिस तरह अगर मैं एक एक ही पर्सनालिटी हूँ और आई एम राइटिंग इन टू 3-4 स्टाइल्स, तो क्या इससे भी पता चल जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, जब राइटिंग तब चेंज होती है इंसान की, जब उसका मूड चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, सिचुएशन और मूड के हिसाब से इंसान की राइटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आप एक इंसान दो तरह की राइटिंग कर सकता है, नहीं, बिकॉज इट्स देयर पर्सनैलिटी। और जब हम लोग एक हैंड राइटिंग सैम्पल मंगवाते हैं, हमारे कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसकी वजह से विच ब्रिंग्स आउट द नेचुरल हैंड राइटिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द पेपर। जो इंसान की नेचुरल हैंड राइटिंग है वो पेपर पर हमें मिल जाती है, तो जब वो मिल जाती है तो हम उससे ही एनालिसिस करते हैं। तो इट्स टोटली हेल्दी, टोटली नॉर्मल अगर एक इंसान अलग अलग तरह से लिख रहे हैं। कभी कभी आप बहुत फोकस्ड होते हो, आप बहुत अच्छा सा लिखते हो, कभी कभी आप बस काम खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप उस जल्दी जल्दी बस लिखते हो, तो इट डिफर्स। और एक ग्राफोलॉजिस्ट बिल्कुल बता सकता है कि ये राइटिंग किस मूड में या किस सिचुएशन पे की गई है। अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता है मुझे लोग जब राइटिंग भेजते हैं तो वो बहुत रिजर्व, बहुत ही अच्छी सी बना बना के लिखते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है अच्छी राइटिंग होगी तो अच्छी पर्सनैलिटी होगी। ऐसा नहीं है, वो राइटिंग सैंपल वापस भेज दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि प्लीज आप जो है फिर से लिख के भेजें। तो इट्स लाइक कि हम 12 से 12 to 15 लाइन्स हम लिखवाते हैं, उसमें से सिर्फ 2 या 3 लाइन्स हमारे काम की होती हैं, अच्छा, नेचुरल मतलब हैंड राइटिंग। जी, 10 to 15 लाइन्स में सिर्फ 2 लाइन्स काम की होती हैं। 2 या 3 लाइन। समटाइम्स जी अगर कोई इस तरह हो कि अब जैसे हम पाकिस्तान हर चीज की डिफरेंट जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, एक बंदे को टेस्टिंग के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या अगर आपको एक फेक राइटिंग दी जाए तो क्या वो भी पता चल सकती है? मतलब कि अगर मैं लिख रही हूँ और मैं राइटिंग चेंज करके लिख दूं, क्या इस चीज का भी पता चल जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गया है, मैंने मोर देन 1000 राइटिंग्स पढ़ चुकी हूँ मैं, तो इसकी इसलिए मुझे अंदाज़ा हो जाता है, मुझे नॉट लाइक अंदाज़ा, मुझे लिटरली पता चल जाता है कि कौन सी फेक मेड अप राइटिंग है, कौन सी नेचुरल राइटिंग है, कौन सी जल्दी में लिखी हुई है, कौन सी टेबल पर रख के नहीं लिखी, गोद में रख के लिखी हुई, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पता चल जाता है। मुझे अक्सर लोगों ने, पीपल लिटरली हैव ट्राइड टू क्रॉस चेक मी, मेरी स्किल्स, कि उन्होंने मुझे फेक राइटिंग बना के दी और बताया है, पूछा है कि अच्छा इसके बारे में बताएं, तो मैं उनको हमेशा वापस कर देती हूँ कि ये आपकी मेड अप राइटिंग है, दिस इज नॉट योर नेचुरल राइटिंग। तो लोग बहुत हैरान होते हैं इस बात से, क्योंकि मैं फेक राइटिंग मुझे अंदाजा हो जाता है उस चीज का। क्योंकि देखिए, एक ग्राफोलॉजिस्ट को धोखा सिर्फ एक ग्राफोलॉजिस्ट ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। सही। अच्छा, ये जब फील्ड बिल्कुल, थोड़ा सा बताइएगा, जब बिल्कुल स्टार्ट में था, क्या रिस्पांस था सराउंडिंग फैमिली का? जिस तरह मतलब कि क्या वाकई चीज एग्जिस्ट करती है, रियलिटी है, फेक है? ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट से पहले बहुत ज्यादा ओपिनियंस होते हैं, कि जिस तरह अगर साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजिस्ट से बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं कि अच्छा बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इस तरह के ग्राफोलॉजिस्ट से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट था सोसाइटी का, और जो आपका था, और वो किस तरह क्लियर हुआ कि मतलब आप अगर किसी को रिकमेंड करेंगी टू बिकम अ ग्राफोलॉजिस्ट, तो क्या इसकी स्कोप क्या है मार्केट में, और फर्दर कौन से सेक्टर्स में ये यूज होता है? जी बिल्कुल। मैं स्टार्ट करती हूँ आपके लोगों के रिस्पांस के क्वेश्चन से, उसके बाद मैं फिर आहिस्ता बताऊंगी।
तो देखिए ऐसा था, जब मुझे 2011 में पता चला था, मेरी बहन भी उसी ऑफिस में उसी स्कूल में जॉब करती थी, तो मेरी फैमिली को इट वाज अ थिंग और मेरी फैमिली वाज ओपन अबाउट इट. उन्हें वहां से मुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला. एंड देन अगर हम लोग फ्रेंड्स की बात करें तो मेरे बहुत कम फ्रेंड्स को पता था कि आई एम डूइंग समथिंग. मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि दिस आई एम डूइंग ग्रेफोलॉजी, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है इंसान को समझाना. मुझसे मुझे इतने लोगों ने समझाया कि बेटा आपको कोई पागल बना रहा है, हमने इतनी जिंदगी गुजार ली, हमें तो कभी ऐसी स्टडी का नहीं पता चला, और ये तो शिर्क है, आप फ्यूचर बताती है. तो मैं उनसे कहती नहीं, फ्यूचर नहीं बताती, ये साइंस की फील्ड है, फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है. मैं अक्सर एक एक तरीका है राइटिंग चेक करने का, इट्स लाइक यू हैव टू फील द राइटिंग. तो जब आप एक राइटिंग को फील कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन से, आपकी आंखें बंद हो जाती है. ये एक दो तो दफा मैंने किसी के सामने किया तो लोग समझते हैं आप कुछ जादू कर रही हैं, आप पढ़ के फूक रही. तो बहुत बहुत लेम किस्म के मुझे रिस्पॉन्स मिले, काफी क्रिटिसिज्म मिला. लेकिन क्योंकि लोगों को समझाना इतना मुश्किल होता था, मैं बताती नहीं थी किसी को, कोई मुझसे पूछता ही नहीं था. सबको लगता, क्योंकि मैं आई वॉज वर्किंग एज वेल, सबको लगता था कि मैं मेरी सारा कंसंट्रेशन मेरी जॉब पर है, बट नहीं, मैं इस पर भी काम कर रही थी. तो मुझे सबको पता चला, मेरी यू कैन से मेरी इमीडिएट रिलेटिव जैसे खाला और उन सबको भी तब पता चला जब मेरा हेलो पाकिस्तान के साथ फेब 2020 में इंटरव्यू पब्लिश हुआ. और तब मेरे पास मेरी फ्रेंड्स और वो सब आए एंड दे आर लाइक, यार तुम तो बैठे बैठे डॉक्टर बन गए. आई एम लाइक, नहीं मैं बैठे बैठे नहीं बनी, मैं 8 साल से इस चीज पे काम कर रही हूँ. तो क्रिटिसिज्म बहुत मिला, अभी भी मिलता है कभी कभी. द अदर डे एक इंस्टाग्राम पे एक पेज ने मेरी पिक्चर पोस्ट की थी, मुझे फीचर किया था, डिड यू नो पाकिस्तान का पेज जिसमें फैक्ट्स पोस्ट होते हैं. तो उसमें लोग आके मुझसे लोग आके कह रहे थे, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, या फिर ये तो अमीरों की पढ़ाई है, हमने तो कभी नहीं सुनी ये सारी पढ़ाई. तो क्रिटिसिज्म अभी भी मिलता है, बट आई डोंट माइंड दैट क्रिटिसिज्म. और फिर आपने पूछा स्कोप का, आई थिंक स्कोप का देखिए, और जो कि न्यू इसको मतलब कि इस ग्राफोलॉजिस्ट आपने ये सारी नॉलेज ले ली है, तो ये जी. प्रैक्टिकली किन सेक्टर्स में यूज की जाती है स्टडी को? कहाँ मतलब कि कैसे ये बेनिफिशियल है, क्या इसे फायदा मिलता है, कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें ग्राफोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं? जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डिटेल्ड में इससे बात हो सकती है. लेकिन ग्राफोलॉजी बहुत चीजों में हेल्प कर सकती है. अब जस्ट काउंट, हम काउंट अगर करें तो चाइल्ड ग्राफोलॉजी है, फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी है, उसके अलावा करियर काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग और भी बहुत चीजों में होती है. स्विट्जरलैंड या यूरोप वगैरह में 80% जो लोग हायर होते हैं, एम्प्लॉयज हायर होते हैं, वो एक ग्राफोलॉजिस्ट हायर करता है, उसके बाद वो हायर होते हैं. बिकॉज करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी में बहुत जरूरी है, ये HR टीम में बहुत जरूरी होती है, आर्मी की टीम में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी होती है. आई थिंक हर स्कूल में ग्राफोलॉजिस्ट की एक टीम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें पता चलती हैं इससे. अगर एक खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा मोलेस्ट हो रहा है या किसी तरह के इमोशनल या फिजिकल अब्यूज से गुजर रहा है, वो राइटिंग में फौरन पता चल जाता है, राइट. ये एक चाइल्ड सीरियसली ग्राफोलॉजी, जी मेरे मोस्टली क्लाइंट्स जो है वो चाइल्ड ग्राफोलॉजी से हैं. और फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी इज एन अनदर वर्ल्ड, वो तो एक अलग ही दुनिया है. उसमें सुसाइडल नोट्स में यूज होती है, मर्डरर्स नोट्स में यूज होती है, रैंसम नोट्स में यूज होती है, और भी बहुत सी नोट्स में यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल, जैसे अभी एक इंडियन सेलिब्रिटी ने सुसाइड की थी, जब आया था कि सुसाइड किया सुशांत सिंह राजपूत ने, तो व्हेन मी एंड अवर फेलो, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो एक ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है, मैं एक एक हमारा ग्रुप है जो कि जिसमें इंडियन ग्राफोलॉजिस्ट, मलेशियन, इंडोनेशियन सब हैं. तो हम सब ने मिलके उनकी राइटिंग पढ़ी थी, एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन सेड के उस बंदे ने सुसाइड किए, क्योंकि उसमें डिप्रेशन नहीं था, ही वाज वेरी लाइवली. तो ये ग्राफोलॉजी, ये फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी बहुत यूजफुल होती है जी. उसके मतलब अलावा दैट इज अ मैरिज फिग काउंसलिंग, लाइक करियर यू गाइस कैन काउंसलिंग, डिस्क्लोज के वो सुसाइड नहीं था, यहां तक भी पता चल जाता है राइटिंग से। तो इज देयर इज एनी नोट जिसको आपने स्टडी किया था? जी जी बिल्कुल. उनके उनकी नोट्स, उनकी जो रीसेंट राइटिंग्स थी उसको स्टडी किया था, उनकी 2016 की राइटिंग को हमने स्टडी किया था, उसमें भी डिप्रेशन नहीं था जी. उसके अलावा मैरिज और करियर, मैरिज काउंसलिंग में बहुत जरूरी होती है कि इफ इफ यू आर स्टेपिंग इनटू ए कमिटमेंट जी, वेदर इट इज मैरिज कमिटमेंट और बिजनेस कमिटमेंट,
यू कैन गेट द कंपैटिबिलिटी चेक ऑफ दैट पर्सन ऑफ योर पार्टनर. अगर वो इंसान लॉयल है, अगर वो इंसान डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट है, अगर वो लॉन्ग टर्म चल सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिज में है, तो यू कैन इवन फाइंड आउट. क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जो अभी तक अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही चलते हैं. दे वो अपना प्रैक्टिकल डिसीजन अपने ऑन देयर ओन नहीं ले सकते. वो भी राइटिंग से पता चल सकता है कि इस इंसान पे अच्छा. इसकी मदर का इतना इन्फ्लुएंस है, इनके फादर का इतना इन्फ्लुएंस है. यस, राइटिंग से कंपैटिबिलिटी चेक पता चल सकते हैं. कई दफा ये होता है कि दो लोग अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, बट दे के नॉट लिव टुगेदर बिकॉज उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करती, तो वो भी पता चल सकता है. इट्स नॉट लाइक इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ऐसा नहीं है कि जैसे आप को निकालते हैं ना, जैसे आई डोंट नो व्हाट इज क्या उसे कहा जाता है, बट आप डेट ऑफ बर्थ बताएं तो ये बताएं, फिर कंपैटिबिलिटी चेक पे जायचा, करके, दैट ऐसा नहीं है. इज बाय द एस्ट्रोलॉजी, जो जायचा निकाला या जाता है दैट थ्रू इज डेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. बर्थ. या दिस इज नॉट समथिंग लाइक दिस. दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड साइंस. और इफ यू ओके ओके. या उसके बाद व्हाट डिड ही आस्क, आपने उसके अलावा क्या पूछा था? और इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था, हम स्कोप और करियर की बात कर रहे थे कि ये जहाँ कहाँ कहाँ यूज होता है. अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक ग्राफोलॉजिस्ट एक इंडिविजुअल की लाइफ को कैसे बेहतर कर सकता है, कि लाइक हाउ यू कैन एक्ट जी एज अ मेंटोर फॉर समवन बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट, या हाउ यू कैन मेक समवन लाइफ बेटर थ्रू दिस. बेटर. या सो द थिंग इज, ग्राफोथेरेपी हेल्प्स इन मेनी थिंग्स, इट कैन क्योर मेनी थिंग्स. तो यहाँ पे मैं ग्राफोथेरेपी की बात करती हूँ. ग्राफोलॉजी से इंसान की पर्सनालिटी कैसे चेंज हो सकती है? इट्स लाइक यू गेट योर हैंड राइटिंग चेक्ड. आपके अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स हैं आपको पता चल जाएंगे. जो पॉजिटिव है आप उसे इन्हांस करेंगे, जो नेगेटिव है आप कोशिश करेंगे कि आपके पर्सनैलिटी से चले जाएं. आप खुद कोशिश करेंगे, नहीं तो आप ग्राफोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं. सो हाउ तो ग्राफोथेरेपी ग्राफोथेरेपी वर्क्स क्या इज चीज है? एक रिवर्स मैकेनिज्म होता है आपका माइंड. जी, सो ग्राफोथेरेपी इज बेसिकली अ क्योर ऑफ ग्राफोलॉजी. ग्राफोलॉजी में अगर कोई चीज आपको नजर आई अपनी पर्सनैलिटी में, इफ समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, आप उसको ग्राफोथेरेपी की हेल्प से कर सकते हैं. ग्राफोथेरेपी इज अ थेरेपी जो आपके आपको लिखने को फॉर्मेशन और कुछ चीजें दी जाती है. इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग. तो अगर आप लिखने, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बचपन में हो सकता है आपके साथ हुआ भी हो कि हमें पनिशमेंट मिला करती थी कि राइट दिस के आई विल वेयर माई यूनिफॉर्म एवरी डे, या फिर आई विल नॉट डू दिस अगेन 200 500 टाइम्स. इस तरह की पनिशमेंट मिला करती थी. आई होप, आई थिंक आपको भी मिली होंगी. जी, तो हमने कभी सोचा एग्जैक्टली, आई नहीं था कि रिमेम्बर. क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे. तो मेरे ख्याल से जो हमें ये पनिश देते सो हैं हमने उनको कभी भी इस सोचा कॉन्सेप्ट का भी नहीं नहीं था कि पता कि व्हाई दे आर गिविंग दिस पनिशमेंट टू अस. अच्छा, क्या नहीं. कॉन्सेप्ट यस यस, यू आर राइट. है? जी, तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है, ग्राफोथेरेपी से रिलेटेड है. ग्राफोथेरेपी में आपको सेंटेंस दिया जाता है, आपको फॉर्मेशन बताई जाती है, और आपका एक पीरियड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 20 डेज का या 40 डेज का, 30 डेज का आपको रोज करना पड़ता है, फिर आपके अंदर जाके वो चीज चेंज होती है. दिस इज ग्राफोथेरेपी. एक चीज होती है ये ग्राफोथेरेपी. एक चीज होती है राइटिंग योगा. जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह की एक मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, दैट इज कॉल्ड राइटिंग योगा. आप रोज सुबह अगर 10 मिनट करें, आपका लिटरली पूरा दिन अच्छा गुजरेगा. यू विल फील फ्रेश. कई दफा इंसान के माइंड में इतने थॉट्स होते हैं, वो परेशान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है. आपको एक फॉर्मेशन बताई जाती है, आप पेपर पे 10 मिनट वो फॉर्मेशन करें, आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे. अच्छा, अगर अगर आप आपको हमारे स्लीपिंग व्यूवर्स को फॉर्म, अगर वो बता सकें कि लाइक वो क्या है, लाइक अगर आप थोड़ा सा गाइड करें कि इफ समबडी इज डिप्रेस्ड और थकावट और सारे दिन का ऑफिस की सारी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसा क्या है कि लिखने से आप ओवरकम कर सकते हो इस चीज को, क्या लिखने से? जी बिल्कुल. देखिए, ऐसा कि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. डिप्रेशन का डिफरेंट होगा, फ्रस्ट्रेशन का डिफरेंट होगा, जो डिस्करेजमेंट होती है इंसान की उसका डिफरेंट है. और वो मैं लिख के बता सकती हूँ. एक लेटर एट है, आप एस से स्टार्ट करते हैं, फिर एट बनाते रहते हैं. वो आपकी सांस से, इंसान की ना सांस, ब्रेथ जो होती है उससे कनेक्टेड होता है. वो मैं आपको आसानी से समझ आ जाएगी किसी को, कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड, आपको गुस्सा है या आपका हाई टेम्पर हो रहा हो, आप एक पेपर पे वो एट बनाना शुरू कर दें.
कर सिर्फ एट बनाना अच्छा शुरू कर दें, यू विल स्टार्ट फील कि राइटिंग आपका एट. ना एट मतलब एस की तरह एट बना रहे हैं आप। आई होप लोगों को आइडिया हो जाए, तो उससे आप यू हाँ विल गॉट फील कि इट. आपके ना काम जी आप आपका बॉडी आपकी काम हो रही है, तो दिस आई कैन से। बाकी उसके अलावा जो है वो डिफरेंट बहुत डिटेल्ड है वो, तो आई थिंक लाइव सेशन में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी सही सही ठीक है. कि मतलब कि जी ये थोड़ा सा सिंक कर रहा है आपके ब्रेथ और एस टाइप एट को, अगर आप वो लिखेंगे तो इससे आपकी ब्रीदिंग जो है जी वो काम डाउन हो रहा है. अच्छा वेरी ग्रेट जी अमेजिंग. जी मतलब आज ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है, इसलिए मैंने आपसे इंटरव्यू करने से पहले नहीं पूछा था कि अच्छा मैं अभी सारा चाम लूज ना कर दूं पहले, चलो लाइव डिस्कशन में ही ये जी सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं. तो जी इन बिल्कुल सब चीजों पे मतलब अब ऑब्वियसली आप ग्राफो थेरेपी भी रिकमेंड कर रही हैं, ऑफर कर रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इस कॉन्सेप्ट की. क्योंकि अभी तो हमारे मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे लोग साइकेट्रिस्ट पे जाएं तो लोग उन्हें पागल बोलना शुरू कर देते हैं. तो आप इसको किस तरह मार्केट में लॉन्च कर रही हैं, या लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? क्लाइंट्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो दे ट्रस्ट, दे रिलीफ, मतलब क्लाइंट फीडबैक आपको पाकिस्तान से क्या मिल रहा है? देखिए, मैं इसको स्टार्ट करना चाह रही हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान में डिवोर्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिवोर्स रेट कह लें, या अगर हमारी सिस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, नॉट ओनली सिस्टर्स, कई कई मैरिज बहुत सारी सफ़र कर रही हैं। और हमारे चाइल्ड ग्राफोलॉजी जो है, हमारे पेरेंट्स और बच्चों में इतनी फ्रेंडशिप है ही नहीं कि हम एक बच्चा अपने माँ बाप से कोई ऐसी बात कोई बात शेयर कर सके। तो कम्युनिकेशन मैं गैप ज़्यादा बहुत ज्यादा हाई आ गया. बहुत ज्यादा है, तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ज्यादा चाइल्ड ग्राफोलॉजी को और मैरिज काउंसलिंग को, क्योंकि मेरे ज्यादा क्लाइंट्स भी इसी के हैं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है इसका। चाइल्ड ग्राफोलॉजी इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल, एंड इसे मैं मैरिज या बिजनेस काउंसलिंग जो होती है कंपैटिबिलिटी चेक वो बहुत जरूरी होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी कैची एज वेल, क्योंकि लोगों को होता है कि अच्छा हम चेक करते हैं, हो सकता है हमें हमारा फायदा हो जाए समथिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हूएवर कम्स टू मी नेवर गोज डिससैटिस्फाइड या अनसैटिस्फाइड। तो इस तरह से मेरी कोशिश है कि लोगों को इस तरफ लाया जाए। देखिए, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, और आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान में उसके अवेयरनेस बहुत कम है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अवर बहुत सारी मेहनत और एनर्जी, बट वी कैन नॉट, हम लोग इस चीज को छोड़ के बैठ नहीं सकते क्योंकि अब नहीं है तो फिर क्या करें। ऐसा नहीं, आप यू हैव टू मेक अ चेंज इन द सोसाइटी, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले माई पार्ट, और मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान में ग्राफोलॉजी को लॉन्च करूँ एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज रियली हेल्पफुल इन फॉर एवरी वन, वेदर यू आर होम मेकर, आप घर पे रहते हैं, या आप जॉब करते हैं, या आप पेरेंट हैं, या आप एक स्टूडेंट है, हर चीज में बहुत हेल्प करती है। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज की तरफ मैं अपने इंटरव्यूज के लिए जब जाती थी, जब मैं ग्राफोलॉजी नहीं बनी थी, अब आई गेस 2-3 ईयर्स बैक जब मैं इंटरव्यूज देने जाती थी, अक्सर ये होता है इंटरव्यूअर की राइटिंग आपको टेबल पर कहीं पे मिल जाती है, नहीं तो वो लिख रहे होते हैं जो अभी आप बोलते हैं, वो पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे होते हैं। मेरे लिए इतना आसान हो जाता उनसे डील करना कि मुझे पता चल जाता था कि वो कैसे कैसी पर्सनैलिटी उनकी, मैं उनको उसी तरह डील करती थी। एंड मेरा एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं गया कि जो खराब गया हो। और अक्सर किसी ऐसा भी होता था, अगर किसी को मेरा इंटरव्यू नहीं पसंद आ रहा, मुझे वो भी पता चल जाता था कि इंसान इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसको उस तरह डील करती थी। इवन अगर सही आपकी कुछ, मैं मुझे अपनी कलीग्स के को समझने में बहुत फायदा होता है इसमें, कि अगर एक इंसान ड्यूल पर्सनैलिटी या फिर डिसऑनेस्ट है तो आप उससे दूर रहना पसंद करते हैं, ये चीज भी पता चल जाती है। तो ग्राफोलॉजी हेल्प्स इन सो मेनी थिंग्स। या हमारे टीचर्स को, मुझे लगता है तो एजुकेशन फिर कब डिपार्टमेंट ने से बहुत जरूरी सिखाना है शुरू इसको। कर रही हैं आप इसको, कि पाकिस्तान में कब एज एन सब्जेक्ट लॉन्च होगा, कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं अगर वो सीखना चाहते हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म पे आए? जी और जो मेरा हमारे मेरी व्यूअर्स हैं, अगर वेबसाइट है, आपका मेरी कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क अस, लाइक वी हैव 2-3 मिनट्स मोर. समन हमारे साथ हैं अभी, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू, इफ समबडी वॉन्ट टू आस्क समथिंग तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स. जी समन बताइएगा कि पाकिस्तान में कब ये लॉन्च हो रहा है और कब हमें सीखने का मौका मिल सकता है इस फील्ड को भी. जी बिल्कुल, अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरे सोशल मीडिया, आई विल मैं उसे आपके लिस्ट कमेंट उस सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी वेबसाइट है, वहाँ से मैं वहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डील करती हूँ, क्योंकि ग्राफोलॉजी की अच्छी बात यह है कि यू डोंट हैव टू नो द पर्सन,
या फिर यू डोंट दैट पर्सन डजंट हैव टू बी प्रेजेंट देयर राइट. तो आप ऑल ऑफ द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लॉन्च करने की बात करिए, लॉन्च करने में मुझे ऐसा लगता है इट्स अ क्वाइट लॉन्ग जर्नी. अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी अवेयरनेस की तरफ एक वर्ड स्प्रेड करने की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान है. एंड प्लस मैं एक मिनी कोर्स डिजाइन कर रही हूँ कि बहुत से लोग वेलकमिंग है, बहुत से लोग चाहते हैं इसको लर्न करना, तो मैं उनके लिए एक मिनी कोर्स भी डिजाइन कर रही हूँ. तो इंशाल्लाह आई विल बी लॉन्चिंग दैट वन सून एज़ वेल. थैंक यू सो मच समन फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. और आज बहुत कुछ सीखने को मिला है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है कि जिस पे पहले ना बात की गई है और जिसका पता ही नहीं था. लाइक हमारे लिए तो अभी ही एग्जिस्ट हुई है ये, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था. और आई होप सो थैंक यू कि सो मच. हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी पसंद आएगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले. एंड दैट इज रियली हाउ आई स्टार्टेड. ये हमारी थीम पे एग्जैक्टली जा रहा सारा सब्जेक्ट. और थैंक यू सो मच फॉर वेलकम. ज्वाइनिंग अस. एंड यू इन द मोस्ट एंड वेलकम. इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज टू द या श्योर. ऑडियंस, टू द यूथ. या फर्स्टली आई वुड से दैट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई हैड अ ग्रेट टाइम शेयरिंग माय जर्नी ओवर हियर. एंड मैं पेरेंट्स से ये कहूँगी कि प्लीज अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से दोस्तों की तरह रहें, कम्युनिकेशन गैप मत रखें. और जिस करियर में वो फोकस वो चाहते हैं कि वो करियर पढ़ना, अब वो करें. देखें मेरे पेरेंट्स को उन्हें कुछ नजर नहीं आया था, बट दे जस्ट लेट मी गो कि अच्छा ठीक है आप इंटरेस्टेड है आप ये कर सकते हैं. एंड टुडे आई एम हियर अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई वुड से कि आपको बच्चे जिस चीज के लिए पैशनेट है जस्ट सपोर्ट देम इन दैट. एंड यूथ को आई वुड से दैट प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, डू समथिंग प्रोडक्टिव. एंड यू नो प्रोडक्टिविटी से दुनिया एग्जैक्ट. चल रही है, सो जस्ट बी गुड. अच्छा, आपके इस मैसेज से ही एक और क्वेश्चन आ गया है, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन. जी कि क्या प्लीज. राइटिंग देख के, बच्चे की राइटिंग देख के आप ये भी बता सकती हैं या ग्राफोलॉजिस्ट बता सकता है कि इसको कौन सा करियर सूट करेगा या ये किस करियर में इसको जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल. करियर काउंसलिंग बहुत ग्राफोलॉजिस्ट करियर काउंसलिंग बिल्कुल कर सकते हैं. आप राइटिंग से देख के बता सकते हैं. इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट कि आप कौन सा करियर चूज करें, आप बिल्कुल राइटिंग आप ग्राफोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. दे कैन गाइड यू. ओके, तो मतलब कि इट्स अ 360 राउंडर हमारे पास इस टाइम. जो एट द एंड नोट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, के जो समन है आप इनके पास किसी भी मसले के लिए जा सकते हैं. लाइक व्हाट यू हैव टू डू, यस यू जस्ट ओनली गिव सम लाइंस और उसके बाद आपकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी और आपकी एग्जैक्टली. थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी. तो मतलब कोई भी जी इश्यू हो, इट्स बिल्कुल. कंसल्टेशन, इट्स कैरियर, इट्स समथिंग यू वॉन्ट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी और वॉन्ट टू नो अबाउट सम अदर्स पर्सनैलिटी, सो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट विद हर यस. एंड शी डेफिनेटली हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच समन फॉर या ज्वाइनिंग अस. एंड मैंने आपके भी एग्जैक्टली आपने मुझे भी एग्जैक्टली वो जब मैंने पढ़ा था वो लाइक मैं आपको बताती हूँ, जब मैं देख रही थी ना ये बड़ा ट्रेंडिंग में चीज जा रही है कि मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई, जब मैंने आपको अपनी राइटिंग भेजी और जब उसके बाद कुछ 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 आई चीजें, तो आई वॉज लाइक सीरियसली अच्छा इसका इतना इम्पैक्ट होता है. और मैं खुद हैरान थी, लाइक इट्स शॉकिंग फॉर मी कि अच्छा यार ये जो एक स्पेसिफिकली लास्ट पॉइंट जो एक था वो मेरी पर्सनालिटी में कहीं भी नजर नहीं आता. और वो किस मतलब बहुत कम लोग हैं, कम नहीं मतलब पर्सनल पीपल के अलावा वो किसी को भी नहीं पता उन पॉइंट्स का. I was like, wow, it's a wow point, seriously. So definitely I recommend you guys are, okay, definitely go and check your writing. It helps you. Thank you so much, Amit, for joining us. Thank you so much for the review. You're most welcome. Thank you. Okay, Jay. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz.